कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। सो दोस्तों, जैसे कि हम सबको मालूम है कि हम लोग अपनी पिछली क्लास के अंदर क्लास 9 के चैप्टर 7 को डिस्कस कर रहे थे, जिसका नाम था डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना। तो पिछली क्लास के अंदर हम लोग अपनी क्लास 9 के चैप्टर 7 को डिस्कस कर रहे थे, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एंड पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट किंगडम प्लांटे। तो किंगडम प्लांटे के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, किस तरह से किंगडम प्लांटे के अंदर बहुत सारे प्लांट्स हैं और उनको फर्दर क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, डिफरेंट फीचर्स के बेसिस पे जो है इनको क्लासिफाई किया गया। तो ये हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास के अंदर डिस्कस कर दिया था। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द किंगडम एनिमेलिया। हम लोग क्या डिस्कस करेंगे अबाउट द किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग किंगडम एनिमेलिया को देखेंगे, उसकी क्लासिफिकेशन को देखेंगे। सो शुरू करते हैं अपनी क्लास को, लेकिन उससे पहले जो लोग भी इस क्लास को देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। देखो, हम लोगों ने जब रॉबर्ट विटाकर जी की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया था, तो उसके अंदर हम लोगों ने क्या देखा था कि किंगडम एनिमेलिया जो है उसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं किस तरह के होते हैं। किंगडम एनिमेलिया के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सबसे पहले तो यूकेरियोट्स होते हैं, ठीक है, दे आर यूकेरियोट्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, और उसी के साथ साथ उनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सॉरी सेल वॉल एब्सेंट होती है ना। हमारे जो किंगडम एनिमेलिया के ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, जिसकी वजह से बहुत सारे एनिमल्स जो है मूव कर सकते हैं, उनके अंदर मोबिलिटी होती है, ठीक है, उनके अंदर वो मूवमेंट करने की पावर रखते हैं। सो ये हम लोगों ने किंगडम एनिमेलिया के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम लोग क्या करेंगे, किंगडम एनिमेलिया के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जो हमारे एनिमल्स आते हैं, उनको किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, वो आज की क्लास के अंदर हम लोग करेंगे, ठीक है। तो हमारे किंगडम एनिमेलिया के अंदर जो एनिमल्स हैं उनको किस बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है, उनकी बॉडी डिजाइन, ठीक है, उनकी डिफरेंट बॉडी डिजाइन और डिफरेंशिएशन जो उनके बीच में है उसके बेसिस पे उनको जो है क्लासिफाई किया जाता है। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन हुई ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड उसी के साथ साथ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इस बेसिस पर एनिमल्स की क्लासिफिकेशन सबसे पहले हुई थी, ठीक है। सो फर्स्टली जो हमारी डिस्क्रिमिनेशन हुई, डिफरेंशिएशन हुई, और वी कैन से दैट इट इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ आवर एंड इन आवर एनिमल्स इन द किंगडम एनिमेलिया, दैट इज कि दे सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर, सम ऑफ द एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर, सम ऑफ देम आर यूनिसेलुलर, ठीक है। जो हमारे एनिमल्स हैं कुछ ऐसे होते हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं एंड सम ऑफ देम आर मल्टीसेलुलर। तो इस बेसिस पे जो है एनिमल्स की क्लासिफिकेशन हो सकती है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ आवर एनिमल्स, ठीक है। अब जो हमारे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इट कंसिस्ट ऑफ पॉलीफेरा। सो व्हाट इज पॉलीफेरा, एक्चुअली इट हैव सेल्स। पॉलीफेरा के अंदर क्या है, सेल्स है बट नॉट मेजर टिश्यूज, इट हैव सेल्स बट नॉट मेजर टिश्यूज। तो पॉलीफेरा है क्या हमारा, जो हमारे पॉलीफेरा इसका मतलब क्या है, ऑर्गेनिजम्स हैविंग स्मॉल पोर्स ओवर होल ऑफ द बॉडी, पूरी बॉडी के ऊपर जो है स्मॉल पोर्स होंगे, स्मॉल पोर्स ऑन द होल ऑफ द बॉडी, पूरी बॉडी के ऊपर क्या है, स्मॉल पोर्स है हमारे पॉलीफेरा के अंदर, ठीक है। और उसी के साथ साथ जो हमारे पॉलीफेरा है, दीज आर इमूवेबल एनिमल्स। कैसे एनिमल्स होंगे हमारे पॉलीफेरा, इमूवेबल, मूवमेंट्स नहीं कर सकते, बट दे कैन अटैच विद अ सॉलिड सपोर्ट, ठीक है, एक सॉलिड सपोर्ट के साथ ही अटैच हो सकते हैं, दे कैन अटैच विद अ सॉलिड सपोर्ट, ठीक है, सॉलिड सपोर्ट्स के साथ अटैच हो सकते हैं। वहीं उसी के साथ साथ जो हमारे पॉलीफेरा के अंदर एनिमल्स होते हैं, इनकी पूरी बॉडी के ऊपर स्मॉल स्मॉल पोर्स, स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं, विच मेक अ कैनल सिस्टम, ठीक है, जिसकी वजह से कैनल सिस्टम बन जाएगा फॉर द सर्कुलेशन ऑफ द वाटर, वाटर की सर्कुलेशन के लिए कैनल सिस्टम बन जाएगा, ठीक है, वाटर सर्कुलेट हो पाएगा थ्रू आउट द बॉडी एंड उसी के साथ साथ जो है वो फूड को एंड उसी के साथ साथ ऑक्सीजन को भी कैरी कर सकेंगे, ठीक है। सो दीज आर अवर पॉलीफेरा, they have small pores or holes all over the body, पूरी बॉडी के ऊपर स्मॉल होल्स हैं, पोर्स हैं, ठीक है, which makes a canal system, जो कि एक कैनल
चैनल सिस्टम की फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू वाटर की सर्कुलेशन होती है एंड बॉडी के अंदर जो है फूड एंड ऑक्सीजन को ब्रिंग कर सकते हैं। एंड उसी के साथ साथ दीज ऑर्गेनिजम्स आर कवर्ड विद अ हार्ड शेल और हार्ड कवरिंग अराउंड द बॉडी विच इज कॉल्ड स्केलेटन, ठीक है, पूरी बॉडी एक हार्ड कवरिंग के साथ जो है कवर होगी, दैट इज कॉल्ड स्केलेटन, ठीक है। और जो हमारे पॉरीफेराज होते हैं, इसके अंदर मोस्ट ऑफ द कौन से ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं, स्पॉन्जेस, इनको हम लोग क्या कह सकते हैं, स्पॉन्जेस। कॉमनली दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड स्पॉन्जेस, कॉमनली स्पॉन्जेस कह सकते हैं। और ये ऑर्गेनिजम्स कहां पर मिलते हैं, कहां पर फाउंड होते हैं, किस तरह के हैबिटेट में रहते हैं, सो इन द मैरीन हैबिटेट, ठीक है। मोस्टली ये जो ऑर्गेनिजम्स है हमें कहां पर मिलेंगे, मैरीन हैबिटेट के अंदर मिलेंगे। तो हमारे पॉलीफेरा क्या है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर जो है, ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर स्मॉल पोर्स होंगे पूरी बॉडी पे, उनके पूरी बॉडी के ऊपर स्मॉल पोर्स होंगे, इमूवेबल एनिमल्स होंगे, मूवमेंट्स नहीं कर सकते। उसी के साथ साथ देखे अटैच विद सॉलिड सपोर्ट, एक सॉलिड सपोर्ट के साथ अटैच हो जाते हैं, ठीक है, थीके? और इतने सारे पोर्स हैं इनकी बॉडी के ऊपर जो कि एक पूरे कैनाल की फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें से वाटर की सर्कुलेशन होती है, ठीक है, थ्रू आउट द बॉडी वाटर की सर्कुलेशन होती है, फूड एंड ऑक्सीजन को कैरी ब्रिंग किया जाता है बॉडी के अंदर। सो दिस इज अवर पॉलीफेराज, और इनकी पूरी बॉडी के ऊपर जो है कवरिंग होती है सॉलिड की, ठीक है, सॉलिड कवरिंग होती है, जिसको क्या कह दिया जाता है, स्केलेटन कह दिया जाता है। और मोस्ट ऑफ द इनके ऑर्गेनिजम्स को स्पॉन्जेस कहा जाता है, एंड ये मरीन हैबिटेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। और इनके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, साइकन, साइकन और स्पॉन्जेला। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ अवर पॉलीफेरा ग्रुप। ऐसे पॉलीफेरा ग्रुप के अंदर इस तरह के एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स में आ जाते हैं सिलोमेट्स, ठीक है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आ जाते हैं हमारे सिलोमेट्स। सो व्हाट एग्जैक्टली इट इज, दे आर स्मॉल कैविटीज, एक्चुअली ये स्मॉल कैविटीज हैं, ओके, स्मॉल कैविटी लाइक इस तरह की स्मॉल कैविटी है जिसके अंदर जो है डिफरेंट लेयर्स होंगी, और जो ऑर्गेन्स होंगे वो क्या करेंगे, इनके अंदर आकर ग्रो करेंगे, इनके अंदर आकर क्या करेंगे, ऑर्गेन्स ग्रो करेंगे। अब क्या होगा, इनके ऑन द बेसिस ऑफ द बॉडी, ऑन द बेसिस ऑफ द बॉडी कैविटी, इन बॉडी कैविटी के बेसिस पे दे आर डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी के बेसिस पे थ्री ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है, कौन कौन से हैं, सीरोमेट्स, सीडो सीलोमेट्स, और वी कैन से आस्क देम सीडो सीलम्स, ठीक है, और हमारे एसिलोमेट्स। सो दीज आर द थ्री ग्रुप्स विच आर डिवाइडेड इंटू ऑन द बेसिस ऑफ द बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी के बेसिस पे इनको थ्री ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया, ठीक है। सो व्हाट आर अवर सीलोमेट्स, जिनके अंदर सीलम्स प्रेजेंट है, ठीक है, स्मॉल स्मॉल गैप्स के अंदर क्या होते हैं, ऑर्गन्स आकर ग्रो करते हैं स्मॉल स्मॉल गैप्स के अंदर, सो दीज आर अवर सीलोमेट्स, ठीक है। उसके बाद सीडो सीलम्स क्या होते हैं, एक्चुअली जो सीडो सीलोमेट्स है, दे डू नॉट हैव प्रॉपर बॉडी कैविटी, दे डू नॉट हैव प्रॉपर बॉडी कैविटी, डू नॉट हैव प्रॉपर बॉडी कैविटी, सो एक्चुअली दे डू नॉट हैव प्रॉपर बॉडी कैविटी फॉर दी यू नो ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, एक्चुअली दे हैव इल्यूशंस, इनके पास क्या होंगे, इल्यूशंस होंगे हमारे सीडो सीलोमेट्स के पास, ठीक है। अगर हम लोग ए सीलोमेट्स की बात करें तो दे डू नॉट हैव एनी बॉडी कैविटी एट ऑल, इनके अंदर कोई भी बॉडी कैविटी नहीं होगी, ठीक है। अब हमारे एसिलोमेट्स कितने टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, टू टाइप के, दैट आर कॉल्ड आवर सिलेंट्रेटा एंड प्लेटीहेल्मिंथेसिस, सिलेंट्रेटा एंड प्लेटीहेल्मिंथेसिस आर द टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ एसिलोमेट्स, ठीक है। तो वॉट आर सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा क्या है हमारे, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि वॉटर के अंदर रहते हैं, सिलेंट्रेटा क्या है हमारे, जो कि वॉटर के अंदर रहते हैं, दे हैव कैविटीज इन द बॉडी, इनकी बॉडी के अंदर एक कैविटी है, और उसी के साथ साथ इनकी बॉडी टू लेयर सेल से बनी हुई है, ठीक है। इनकी बॉडी कैसे बनी है, टू लेयर सेल से बनी है हमारे सेलेंट्रेटा की। और अगर हम लोग एग्जाम्पल्स ले सेलेंट्रेटा की, तो कौन कौन सी एग्जाम्पल्स आ जाएंगी हमारी सेलेंट्रेटा की, सेलेंट्रेटा की हमारी एग्जाम्पल्स आ जाएंगी जेलीफिश, जेलीफिश, हाइड्रा। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ आवर सेलेंट्रेटा। तो क्या होते हैं सेलेंट्रेटा के अंदर, किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि वाटर के अंदर रह रहे हैं, ठीक है, उसी के साथ साथ उनकी बॉडी के अंदर कैविटीज प्रेजेंट हैं, और उसी के साथ साथ इनकी बॉडी कैसे बनी हुई है, टू लेयर सेल से बनी हुई है, ठीक है। और इनकी एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, जेलीफिश एंड हाइड्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ आवर सेलेंट्रेटा ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट का जो हमारा आ जाता है प्लेटीहेल्मिंथेसिस, तो ये कैसे ऑर्गेनिज्म
एनिमल्स होते हैं, किस तरह के एनिमल्स होते हैं, दे हैव लेटरली सिमेट्रिकल, ठीक है, लेटरली सिमेट्रिकल होगी इनकी जो बॉडी के डिजाइन होंगे, किस तरह के होंगे, कॉम्प्लेक्स डिजाइन होंगे। प्लैटीहेलमिंथ स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के डिजाइन किस तरह के होते हैं, कॉम्प्लेक्स डिजाइन होते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स डिजाइन होते हैं बॉडी के डिजाइन। प्लैटीहेलमिंथ स्पीशीज के एनिमल्स के कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स डिजाइन होते हैं, उसी के साथ साथ लेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब कि उनकी बॉडी का लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट जो है, लेफ्ट हाफ और राइट हाफ जो है, उनके अंदर सेम टाइप के डिजाइन होंगे। ये हमारे प्लैटीहेलमिंथ्स के हैं, कॉम्प्लेक्स डिजाइन हो गया, उसी के साथ साथ जो है लिटरली सिमेट्रिकल होंगे। इनकी जो बॉडी होगी वो थ्री लेयर सेल्स के साथ बनी होगी, थ्री लेयर सेल्स के साथ, मतलब कि दैट इज व्हाई दे आर व्हाट कॉल, इनको क्या कह दिया जाता है, इनको ट्रिप्लोब्लास्टिक कह दिया जाता है, ट्रिप्लो ब्लास्टिक कह दिया जाता है इनको। और इनके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, टेपवर्म आर द एग्जांपल्स, ठीक है, या फिर फ्लैटवर्म, टेपवर्म और फ्लैटवर्म आर द एग्जांपल्स ऑफ आवर प्लैटीहेलमिंथेसिस। ओके, सो आगे हम लोग चलते हैं सीरोसिलोमेट्स पर। तो ये पता चल गया हमारे सिलेंट्रेटा क्या थे, वॉटर के अंदर रहते थे, बॉडी के अंदर एक कैविटी थी, ठीक है, उसी के साथ साथ जो इनकी बॉडी टू लेयर सेल से बनी हुई थी। अब हम लोग अगर बात करें प्लैटीहेलमिंथेसिस की, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी डिजाइन बहुत सारे कॉम्प्लेक्स है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स डिजाइन है बॉडी के, उसी के साथ साथ जो है जो हमारे प्लैटीहेलमिंथेसिस है सिमेट्रिकल, लिटरली बायलैटरली सिमेट्रिकल है, ठीक है, बायलैटरली सिमेट्रिकल है, बायलैटरल सिमेट्रिकल है, मतलब कि बॉडी का एक हाफ और दूसरा हाफ दोनों का डिजाइन सेम है। और अगर हम लोग बात करें इनकी, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, थ्री लेयर सेल से बनी हुई है इनकी बॉडी, इसलिए इसको ट्रिप्लोब्लास्टिक कह दिया जाता है। एग्जांपल्स में आ जाएंगे टेपवर्म्स एंड फ्लैटवर्म्स। अब मूव करते हैं हम लोग सीरोसिलोमेट्स पर। तो सीरोसिलोमेट्स हैव ओनली वन दे हैव ओनली वन साइलम दैट आर कॉल्ड निमेटोडा। क्या कह दिया जाता है, निमेटोडा कह दिया जाता है। ओके, सो व्हाट आर निमेटोडा, निमेटोडा क्या होता है, सबसे पहले तो ये हमारा बायलैटरल सिमेट्रिकल है, ठीक है, निमेटोडा भी हमारा बायलैटरल सिमेट्रिकल है, बायलैटरल सिमेट्रिकल है हमारे निमेटोडा, उसी के साथ साथ ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाते हैं हमारे निमेटोडा भी, ठीक है। इनकी बॉडी किस तरह की होती है, फ्लैट शेप नहीं होती इनकी बॉडी, सिलिंड्रिकल होती है, दे हैव सिलिंड्रिकल बॉडीज, सिलिंड्रिकल बॉडी होगी इनकी, फ्लैट बॉडी नहीं होगी। और ये हमारे कुछ पैरासिटिक फॉर्म्स भी होते हैं जो कि डिजीज कर्स करते हैं, ठीक है। सो हमारे निमेटोडा क्या है, पैरासिटिक वो भी होते हैं, वॉर्म्स भी होते हैं जो कि डिजीज कर्स करते हैं, ठीक है। इनकी एग्जाम्पल ले ले तो क्या होगी, एग्जाम्पल इसकी अस्कैरिस, अस्कैरिस आर द एग्जाम्पल ऑफ आवर निमेटोडा। ओके, देन हम लोग आ जाते हैं अपने सीलोमेट्स पर। तो सीलोमेट्स कितने टाइप के होते हैं, फोर टाइप के सीलोमेट्स होते हैं जो कि डिवाइड किए गए टू ग्रुप्स के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ कि जो सिंगल सेल थे एम्ब्रियो के ग्रोथ के टाइम कन्वर्ट हो गए मेसोडर्मल सेल्स के अंदर, ठीक है। सिंगल सेल से मेसोडर्मल सेल्स की फॉर्मेशन हो गई ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो, ठीक है। कितने टाइप के, थ्री टाइप के इसमें, दैट इज एनिलिडा, मोलिस्का और आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, मोलिस्का एंड आर्थ्रोपोडा, थ्री टाइप के हैं। और अगर हम लोग इधर साइड आएंगे तो इसमें क्या होगा, सीलम फॉर्म फ्रॉम पाउचेस पिंच्ड ऑफ फ्रॉम द एंडोडर्म्स, ठीक है। तो इसके बेसिस क्या होंगे, दैट इज एकिनोडर्मेटा, एकिनोडर्मेटा होंगे इसके इसके बेसिस पर, ठीक है। तो एनिलिडा की बात करें, व्हाट आर एनिलिडा, तो ये कैसे हमारे एनिमल्स होंगे इसके अंदर, एनिलिडा के अंदर सबसे पहले तो बायलैटरल सिमेट्रिकल होंगे, कैसे होंगे, बायलैटरल सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, ठीक है, बायलैटरल सिमेट्रिकल होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, उसी के साथ साथ ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगी इनके अंदर, ट्रू बॉडी कैविटी, ठीक है, ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगी। और एक्सटेंसिव इनके ऑर्गन जो है डिफरेंशिएशन होंगी ऑर्गन्स के अंदर, मतलब कि बाहर से देखने में इनके ऊपर लाइन सेगमेंट से पूरी बॉडी के ऊपर जो है डिफरेंशिएशन हो रखी होगी ऑर्गन्स की, हेड से लेकर टेल तक इस तरह से लाइन की फॉर्मेशन हो रखी होगी लाइक दिस, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड आवर एनिलिडास, ठीक है। तो इनके एग्जांपल्स क्या हो जाए,
जाएगी हमारी अर्थवर्म, इनकी एग्जांपल हो जाती है अर्थवर्म, लीचेस, और अर्थवर्म और लीचेस इनकी एग्जांपल्स हो जाती है। और कहां कहां पर मिलते हैं हमको, फ्रेश वाटर के अंदर भी मिल जाते हैं, ठीक है, मरीन वाटर के अंदर भी मिल जाते हैं, और अर्थ के ऊपर भी मिल जाएंगे हमारे जो है एनिलिडास, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे आर्थ्रोपोडा। तो देखो जो हमारे आर्थ्रोपोडा है ना, ये ग्रुप के अंदर जो एनिमल्स होते हैं, प्रोबेबली सबसे ज्यादा बड़ा ग्रुप माना जाता है एनिमल्स का हमारा आर्थ्रोपोडा, सबसे बड़ा ग्रुप माना जाता है एनिमल्स का हमारा आर्थ्रोपोडा, ठीक है। तो इनके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होंगे, पहले तो बायोलेट्रिकल सिमेट्रिकल होंगे, कैसे होंगे, बायोलेट्रिकल सिमेट्रिकल होंगे, उनके अंदर सेगमेंट्स होंगी, ठीक है, कैसी होंगी, सेगमेंट्स होंगी, और एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। कैसा सिस्टम होगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, मतलब कि इनके अंदर प्रॉपर ब्लड वेसल्स नहीं होंगे, ब्लड को कनेक्ट करने, ब्लड को फ्लो करने के लिए प्रॉपर ब्लड वेसल्स में से ब्लड नहीं जा रहा है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा इनके अंदर, ठीक है। उसी के साथ साथ आर्थ्रोपोडा, इसका मतलब क्या है, आर्थ्रोपोडा का मतलब है कनेक्टेड लेग्स, सो दे हैव कनेक्टेड लेग्स, इनके अंदर क्या होंगे, कनेक्टेड लेग्स होंगे। और इनकी एग्जाम्पल्स क्या आ जाती है हमारे आर्थ्रोपोडा की एग्जाम्पल क्या आ जाएगी, हाउस फ्लाइज हो गई, हाउस फ्लाइज, स्पाइडर्स, ठीक है, हाउस फ्लाइज हो गई, स्पाइडर्स हो गई, बटरफ्लाइज हो गई, दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ आवर आर्थ्रोपोडा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मॉलिस्का की। सो व्हाट आर मॉलिस्का, तो जो हमारे मॉलिस्का होते हैं, सबसे पहले तो बायोलेट्रिकल सिमेट्रिकल होते हैं, बायोलेट्रिकल सिमेट्रिकल होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इनके अंदर भी, एंड थर्ड थिंग कि इनके अंदर किडनी टाइप ऑफ ऑर्गन प्रेजेंट होता है फॉर द एक्सक्रेशन, ठीक है, किडनी टाइप ऑर्गन होगा फॉर द एक्सक्रेशन हमारे मोलस्का के पास, ठीक है। और उसी के साथ साथ जो है इनके एग्जांपल्स अगर हम लोग देख लें तो कौन से होंगे, ऑक्टोपस, एग्जांपल्स क्या होंगे मोलस्का के, ऑक्टोपस, ठीक है, ऑक्टोपस एक एग्जांपल हो जाता है हमारा, और दूसरा एग्जांपल स्नेल हो जाएगा। और इनके पास क्या होगा, इनके पास लेग्स होंगे, इनके पास लेग्स होंगे फॉर द मोमेंट, हमारे ऑक्टोपस के पास लेग्स होते हैं ना। तो ये हो गया हमारे एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा। मोलस्का का पता चल गया, मोलस्का क्या है हमारे, ऐसे एनिमल्स होंगे जो कि बायोलेट्रिकल सिमेट्रिकल होंगे, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होंगे, और इसके अंदर किडनी टाइप के जो है ऑर्गन प्रेजेंट होंगे फॉर दी एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन के लिए किडनी टाइप ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। और उसी के साथ साथ इसकी एग्जांपल देख लें तो क्या आ जाएंगे, ऑक्टोपस इनकी एग्जांपल में आ जाएंगे, स्नेल्स इनकी एग्जांपल में आ जाएंगे। सो दीज आर आवर सीलोमेट्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एकिनोडर्मेटा। अब जो हमारे एकिनोडर्मेटा क्या है, इनके अंदर नोटोकॉर्ड्स प्रेजेंट नहीं है, दे डू नॉट हैव एनी नोटोकॉर्ड एकिनोडर्मेटा के अंदर, ठीक है। उसी के साथ साथ जो है स्पाइनी स्किन ऑर्गेनिजम्स होंगे, कैसे ऑर्गेनिजम्स होंगे, स्पाइनी स्किन ऑर्गेनिजम्स, स्पाइनी स्किन ऑर्गेनिजम्स होंगे हमारे एकिनोडर्मेटा। उसी के साथ साथ फ्री लिविंग मरीन एनिमल्स होंगे ये, फ्री लिविंग मरीन एनिमल्स, कैसे एनिमल्स होंगे, फ्री लिविंग मरीन एनिमल्स होंगे हमारे एकिनोडर्मेटा। और इसी के साथ साथ ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होंगे, कैसे होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, ठीक है। और हमारे जो इनकी एग्जांपल, अब देखो हमारे जो एकिनोडर्मेटा है ना, इनके पास एक हार्ड जो है कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई एक हार्ड लेयर होगी, जिसको हम लोग स्केलेटन की तरह यूज ही करते हैं, स्केलेटन कह सकते हैं इनके, किससे बने थे, कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन होगा, काफी हार्ड इनके पास एकिनोडर्मेटा के पास। और इनकी एग्जाम्पल्स हम लोग ले लें तो कौन कौन सी एग्जाम्पल आ जाएगी, सी स्टार, एग्जाम्पल क्या आ जाती है, सी स्टार, एंड उसी के साथ साथ एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, सी कुकुम्बर। सो दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ अवर एकिनोडर्मेटा, ठीक है। उसके बाद जो हमारे कॉर्डेटा जो है फर्दर जो है टू टाइप्स के अंदर डिवाइड हुए, ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर नोटोकॉर्ड्स प्रेजेंट है, ठीक है, ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर नोटोकॉर्ड्स प्रेजेंट है लार्वल फॉर्म में, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर नोटोकॉर्ड को रिप्लेस कर दिया किसने, वर्टिब्रल्स ने, नोटोकॉर्ड्स को रिप्लेस कर दिया वर्टिब्रल्स ने। अब इसके आगे के जो हमारे ऑर्गेनिजम्स होंगे एनिमल क्लासिफिकेशन के अंदर, उसको हम लोग आज डिस्कस नहीं करेंगे, अपनी अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा पार्ट बाकी है, पर आज की क्लास में हम लोग उसे डिस्कस नहीं करने वाले हैं, अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे इस चीज को, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने किस किस को डिस्कस कर लिया, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स हाफ डिस्कस कर लिया विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट, ठीक है। तो क्या क्या देख लिया, एनिमल्स को जो है
डिवाइड किया गया बेस ऑफ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पॉरीफेरा थे, पॉरीफेरा क्या थे, स्मॉल पोर्स थे उनके ऊपर, इमूवेबल थे, अटैच हो जाते सॉलिड सपोर्ट के साथ। स्मॉल पोर्स है जो कि एक कैनल की फॉर्मेशन करते हैं जिसके अंदर वाटर की जो है सर्कुलेशन होती है और जो फूड है ऑक्सीजन है उसको कैरी करने का काम करते हैं बॉडी के अंदर। ये हमारे पॉलीफेरा हो गई कि पूरी बॉडी के अराउंड जो है कवरिंग होती है, हार्ड कवरिंग, ठीक है, जिसको स्केलेटन बोल दिया जाता है। मोस्टली इनके अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनको स्पॉन्जेस कह देते हैं। और इसी के साथ साथ जो है हमारे इनकी एग्जाम्पल देख ली थी हम लोगों ने, साइकेन एंड स्पॉन्जिला आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अवर पॉलीफेरा। देन हम लोगों ने देख लिया फिलामेंट्स, फिलामेंट्स के एक्चुअली इनके अंदर कैविटी होगी, कैविटी के अंदर डिफरेंट लेयर्स होंगी जिसके अंदर ऑर्गन्स जो है ग्रो करेंगे एज वेल एज डेवलप करेंगे, ठीक है, अपने आप को। फर्दर ये बॉडी कैविटी के बेस पर थ्री चीजों में डिवाइड किए गए थे, सिलोमेट्स, स्यूडो सिलोमेट्स, ठीक है, और उसी के साथ साथ है हमारे एसिलोमेट्स। तो सिलोमेट्स क्या थे, जिनके अंदर सीलम्स प्रेजेंट थे, स्मॉल स्मॉल स्पेस थी जिसके अंदर ऑर्गन्स जो ग्रो कर पा रहे थे। स्यूडो सिलोमेट्स क्या थे, दे डू नॉट हैव प्रॉपर बॉडी कैविटी, प्रॉपर बॉडी कैविटी नहीं है जिसके अंदर ऑर्गन्स जो ग्रो नहीं कर पा रहे, इल्यूशंस होंगे इनके अंदर, ठीक है। और एसिलोमेट्स है नो बॉडी कैविटी एट ऑल, नो बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट इन अवर एसिलोमेट्स, ठीक है। फर्दर ये टू टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसके अंदर, एनिमल्स होते हैं, दैट आर सेलेंटेटा एंड प्लेटीहेल्मिंथीसिस। तो सेलेंटेटा क्या है, सबसे पहले तो वाटर के अंदर प्रेजेंट रहते हैं सेलेंटेटा, ठीक है, वाटर के अंदर होते हैं, बॉडी के अंदर कैविटी प्रेजेंट है, उसी के साथ साथ जो है इनके जो है टू सेल लेयर है, टू सेल लेयर बॉडी है, ठीक है। और हमारे प्लेटीहेल्मिंथीसिस क्या है, जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स डिजाइन है, उसी के साथ साथ जो है इनकी जो है बायोलॉजिकल सिमेट्रिकल है बॉडी, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है। एग्जांपल देख ले, टेप वर्म हो गए, फ्लैट वर्म्स हो गए, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ अवर प्लेटीहेल्मिंथीसिस, ठीक है। देन निमेटोडा देख लिया, निमेटोडा क्या थे, दैट आर बायोलॉजिकल सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलिंड्रिकल है, एग्जांपल हो गए स्कैलिस, ठीक है। उसके बाद सिलोमेट्स फोर टाइप के हैं, एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा। एनिलिडा को हम लोगों ने देख लिया था बायोलॉजिकल सिमेट्रिकल थे, ठीक है, और उसी के साथ साथ जो है थ्री ट्रू बॉडी कैविटी इनके अंदर प्रेजेंट थी, हमारे एनिलिडा के अंदर ट्रू बॉडी कैविटी थी, और ऑर्गन्स के इनके बाहर जो है डिफरेंशिएशन हो जाती है बॉडी के स्पाइन जो लाइंस होती है उससे। और उसी के साथ साथ जो मॉलिस्का हम लोगों ने देख लिया, आर्थ्रोपोडा देख लिया, सबसे बड़ा एनिमल्स का ग्रुप है आर्थ्रोपोडा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है इसके अंदर, उसी के साथ साथ जो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारे आर्थ्रोपोडा के अंदर, कनेक्टेड लेग्स है। मॉलिस्का क्या थे, पायरेटिकल सिमेट्रिकल है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, किडनी टाइप के ऑर्गन्स प्रेजेंट है फॉर द एक्सक्रीशन, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देख लिया अबाउट एक्टिनोडर्मेटा, एक्टिनोडर्मेटा क्या होते हैं, स्पाइनी स्किन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं मरीन एनिमल्स, उसी के साथ साथ ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एग्जाम्पल सी स्टार एंड सी कुकुम्बर्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अवर एक्टिनोडर्मेटा। सो ये थे हमारे एनिमल्स की क्लासिफिकेशन, हाफ हम लोगों ने की है, हाफ हम लोग करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करेंगे, थैंक यू फ्रेंड्स।